चाइना से शुरू हुए कोरोना वायरस की दहशत पूरी दुनिया में फैल गई है। अमृतसर में भी कोरोना वायरस के दो शकी मरीज सामने आए हैं। दोनों शकी मरीज महिलाएं हैं और कुछ दिन पहले न्यूजीलैंड से भारत आई थी। अमृतसर में जैसे ही इन्हें गला खराब होने की शिकायत हुई तो इन्होंने डॉक्टर को सूचित किया, जिसके बाद इन्हें अमृतसर में बनाई गई आइसोलेटेड वार्ड में रखा गया। गुरु नानक देव अस्पताल के मेडिकल सुप्रिंटेंडेंट डॉक्टर रमन शर्मा ने बताया कि दोनों शकी महिलाओं को आइसोलेटेड वार्ड में रखा गया है। इस वार्ड के लिए खास डॉक्टरों की टीम भी तैयार की गई है। डॉक्टर शर्मा ने बताया कि ये महिलाएं न्यूजीलैंड से वाया दिल्ली भारत आई थी। अमृतसर में रहने के कुछ दिन बाद इन्हें गले की तकलीफ हुई। जैसे ही इनके चीन से आने के बारे में पता चला तो उन्हें तुरंत स्पेशल वार्ड में भर्ती किया गया। इनकी दोनों की सैंपल लेकर पुणे लैब में भेज दिए गए हैं। एक दो दिन में रिपोर्ट आने के बाद ये साफ हो जाएगा कि ये वायरस से पीड़ित हैं या नहीं। ये दो मरीज साढ़े को आए थे, जिन्हों का हॉल्ट से चाइना के 3 घंटे का, तो इन्हों उत्थों आने तो बाद सिमटोमैटिक कोई किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं सी। ते ओ, उस तो आने तो बाद इन्हों घर अपने फीवर होया, तो फीवर वास्ते अस क्योंकि ये उत्थों चाइना तो आए सी हॉल्ट करके, तो इस करके असं इन्हें ऑब्जरवेशन रखे। इन्हों का फीवर ठीक हो गया, अगे तो इंप्रूव हो गए ने, खा पी रहे हैं, पर क्योंकि असं सैंपल भेजे हुए हैं उन्होंने रिपोर्टेड है, जो रिपोर्ट नैगेटिव आएगी तो असं डिस्चार्ज करता। सर दोनों पैसेंजर जिहड़े ने दिल्ली लैंड किए थे कि उत्थे नहीं इन्होंने दस्या या अमृतसर आउण एक्चुअली ये पेशेंट बिल्कुल एसिम्टोमैटिक सके, उत्थे इन्हों कोई तकलीफ हुई नहीं, घर आ के फीवर होया थोड़ा जहा, वो फीवर कई कारण करके हो सकता है, पर असी क्योंकि एक्सट्रा कॉशियन है, सरकार जी बहुत ज़्यादा कॉशियस है ये बारे, तो इन्होंने क्योंकि फीवर है उत्थों आए ने हिस्टरी ने, तो उस हिस्टरी के हिसाब से इन्होंने आइसोलेट करके रख लिया ताकि सोसाइटी के किसी तरह ना कोई तकलीफ कोरोना वायरस की ना फैले। जी सर स्पेशल वार्ड या फिर डॉक्टर्स के वास्ते स्पेशल की अरेंजमेंट्स? असी एक स्पेशल वार्ड जी ये वास्ते आइसोलेट करती है, डेजिग्नेट करती है कि यह जरा उ मरीज रहेंगे कोरोना वायरस के, वो वायरस वो साढ़े को वेंटीलेटर लगे हुए हैं, साढ़े को ऑक्सीजन मशीन है, सारा क्लोज सिस्टम है, उत्थे किसी होर बंदे होर मरीज़ नूं असी नहीं जा रहे। डॉक्टर्स जिहड़े ना वो क्वालिफाइड ने, ट्रेन ने फॉर दिस परपज, तो वो ट्रीटमेंट वास्ते भी ट्रेन ने, उन्होंने भी किट्स वगैरह ने, प्रोटेक्टिव किट्स भी ने, हर तरह के नाल उन्होंने सहूलत दी। इन्हों के जो सैंपल्स ने कितने भेजे जाएंगे और कदों तक उनकी रिपोर्ट? उन्होंने सैंपल पहलों ही लैके भेजे जा चुके हैं, पुणे साड़ी सरकार की लैबोरेटरी है उस दे विच टेस्ट होते हैं, तो उसकी रिपोर्ट एक दो दिनों तक आ जाएगी। जो ही रिपोर्ट आती है, जो नैगेटिव रिपोर्ट आई तो इन्होंने डिस्चार्ज कर देंगे, नहीं आएगी तो 14 दिन होर रखा। डॉक्टर साहब कितनी खतरनाक बीमारी है, लक्षण किस तरह आते हैं? हाँ जी, ये बीमारी जी है जी वायरल डिजीज़ है, वायरस बिल्कुल छोटा माइक्रो होता है। इन कोरोना क्यों कहते हैं? क्योंकि ये माइक्रोस्कोप थले जो असं देखिए तो वो जो ना एक स्पाइक्स होंगे ने सरफेस के उत्ते, वो स्पाइक जो क्राउन वांग होंगे ने, तो इस करके कोरोना वायरस है ना, ये इनफेक्टिव काफ़ी है, पर यह है कि लकी इस गलों असी हिंदु जे ह्यूमैनिटी ह्यूमन बींग इस करके लकी हैं कि यदी जी है मोर्टैलिटी रेट बहुत घट है, ईवन लैसर दैन द स्वाइन फ्लू। सो इस करके पर कंटेजियस बहुत है, फैलता बहुत है, फैलता है जुकाम तो, खांसी तो, हाथों तो, कपड़िया तो, लाइक दैट ये स्प्रेड कर सकता है, खाने पीन तो भी स्प्रेड कर सकता। और ये जो सस्पेक्टेड ने फर्स्ट टाइम अमृतसर के लिए आए हैं, पहला भी कोई आ सकता है? ये फर्स्ट टाइम आए ने, इस तो पहला एक सस्पेक्टेड केस सी का बच्चा सी जिंद भी हिस्टरी सी चाइना तो आया, बट वो भी नैगेटिव निकलिया सीगा, कोरोना नैगेटिव निकलिया। यस अमृतसर से सनी सहोता, सिटी होम न्यूज़।